Bismillahir Rahman Rahim Today we are again in the studio regarding AIO history writing project Department of History Allama Iqbal of University is working on this project and in this regard today our guest in the studio is Dr Hamid Khan Niazi Saab. he is chair EPM department faculty of education as well as currently controller examination of allama Iqbalop university welcome sir in the studios thank you sir first of all sir uh, we would like to uh, ask you that tell us something about your early life and your education how you started this journey thank you very much बस साहब बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपने नाजर का और अपने सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका प्रोवाइड किया था कि अपने नाजर से मैं मुखातिब हो सकूँ जहाँ तक मेरे पर्स्पेक्टिव एजुकेशन परस्पेक्टिव का तल है तो मैं जिस तरह के नाम के साथ न्याजी लगा हुआ है तो अंडरस्टूड अंडर स्टूडेंट आइम फ्राम मियाँ वाली सर सर मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन सुरगोदा से हुई उसके बाद मेरी डिग्री तक तालीम हासिल की मियाँ वाली में फिर एक साल फैसलाबाद में एक डिग्री हासिल की उसके बाद मुझे फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन में काम करने का मौक़ा मिला वहाँ तकरीबन मैंने दस साल तक एज साइंस टीचर काम किया सर और मेन वाइल मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करता रहा जब मैंने एजुकेशन प्लानिंग एंड मैंने, मैंने एक डिग्री हासिल की तो बड़ी लक की बात है कि जब मैं डिग्री से पहले अपने रिज़ल्ट का पता करने आ रहा था तो मुझे मेरे सजा ने मुझसे पूछा कि अगर हम आपको यूनिवर्सिटी में अगर इंडक्ट कर लेते हैं तो क्या आप आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी की सर्विस करना बेशक मेरे लिए एक आनर होगा तो उस वक्त के वाइस चांसलर जनाब जी ए अलाना साहब थे उनसे मेरे डीन साहब ने और चेयरमैन पर्सन ने रब्ता किया और मेरे बारे में उन्हें बताया तो अलाना साहब माशाल्लाह बड़े एक दबंग किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो फैसले करने में बड़े मशहूर थे सर उन्होंने ये कहा कि ऐसा करें कि वो बच्चा मेरे सामने लाए मैं उसको पहले खुद इंटरव्यू करना चाहता हूँ सर तो जब मैं आया तो उन्होंने कहा जी वाइस चांसलर साहब आपको खुद पहले इंटरव्यू करेंगे मैंने कहा सारा आपने मेरे लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल नहीं पैदा कर दी क्योंकि एक इमेज आपने शायद उनके सामने जो मेरा रखा होगा मे भी कि मैं उस इमेज पर शायद पूरा ना उतर सकूँ लेकिन अलहमद उनके साथ इंटरव्यू हुआ कम वेश खुद आधे घंटे तक वो इंटरव्यू मुहित था और वो, वो अलहमदिल्ला मेरी परफार्मेंस इतने मुतासर हुए उतने खुश हुए उन्होंने मुझे पेमेंट के लिए सा, मेरे सामने फ़ाइल पे लिख दिया तो ये हादसा मेरे साथ खुशगवार हुआ सर ये सितंबर 1988 का है सर तो ये आपका इकबाल यूनिवर्सिटी के साथ रिफाकत का सिलसिला 1988 से शुरू हुआ सर इससे पहले आपने ई की डिग्री कहाँ से आ, हासिल की आ, आपको बताता चलूँ कि ई की डिग्री एशिया में कहीं भी नहीं थी सबसे पहले एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री जो इशू हुई है वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कैडाडिट जाता है सर, सर तो लिहाजा मैंने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही ये ई की डिग्री हासिल की और उसी की बुनियाद पर मुझे लेक्चर के तौर पर सबसे पहले यह ओपाइड किया गया सर तो मैं ज़रा पीछे जाना चाहूँगा आपका यहाँ के स्टूडेंट होने की हैसियत से कैसा तारुफ हुआ यूनिवर्सिटी से क्या आपके तजुर्बा थे उस वक्त जब आपने यहाँ पर एज़ ए स्टूडेंट जॉइन किया इस यूनिवर्सिटी को बस बात यह है कि मेरी अपनी एक नेचुरल जो क्यूरासिटी कह लें या खानदानी उस पर टच कह लें सर मेरे दिन में ये था कि मेरे पास कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो दूसरों के पास ना हो हुँ, पहली वजह तो ई पी एम करने की ये थी कि ये बिल्कुल नई अछूती मुझे लगी तो मैंने इसमें एडमिशन लिया सर और दूसरा इसके लिए ये था कि ये एक नए सिस्टम के तहत डिग्री थी जी जी ये भी मेरे लिए एक नया तजर्बा भी था और नया चैलेंज भी था साथ साथ क्योंकि सर्विस को जारी रखते हुए ये सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हो एनहांस कर सकते हो और साथ साथ आप अपने किसी अगर लाइफ में कोई जॉब कर रहे हो या किसी भी एक्टिविटी में आ रहा हो तो वो भी कंटिन्यू की जा सकती है एक लिहाज से ये बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए कि मैं अपनी सर्विस को भी कंटिन्यू कर सका और साथ साथ मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को भी इम्प्रूव किया और उस क्वालिफ़िकेशन के बुनियाद पर मैं आज आपके सामने हूँ सर ये सिलसिला जब शुरू हुआ नाइनटीन एटी एट में उसके बाद उस वक्त यूनिवर्सिटी कि फ़िज़िकल और एकेडमिक सूरत हाल क्या थी फिर आपने पर्सनल जैसे आ, मुझे मालूम है कि आपने अब्रॉड से एम फिल किया पी एच डी किया कुछ इस सिलसिले में हमें बताइए देखिए जी बल्कि मैं इसे भी थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो ये बड़े दिलचस्प फिगर होगा कि यह यूनिवर्सिटी एक दो कमरों के मकान से शुरू हुई सर और इब्तदाई एनरोलमेंट इसकी फोर्टी फाइव के लगभग थी सर और इसका सबसे पहला जो मास्टर लेवल प्रोग्राम था वो एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ही था माशाल्लाह शुरू में ये एक फैकल्टी नहीं हुआ करती थी ये इंस्टीट्यूट था फिर 1982 में जब इंस्टीट्यूट से चेंज करके इसको फैकल्टी का रुतबा दिया गया तो फिर इसके साथ पांच छः दिप, पांच डिपार्टमेंट और भी बना दिए गए एक दूसरा आपने कहा कि यूनिवर्सिटी कहती थी तो यूनिवर्सिटी में जो शुरू शुरू में हमारे जो जो गे, मेन गेट से आप इन होते हैं तो राइट साइड पे जो ब्लॉक हैं चार ये ब्लॉक्स ही हुआ करते थे इन ब्लॉक्स में हम प्रोफेसर दो, दो तीन तीन भी एक कमरे में बैठा करते थे सर। लेकिन वो चूँकि शुरुआत का दिन था अरश थी हर एक के अंदर एक थ्रिल थी कि हमने अपने आप को मनवाना है अपने दायरे को मनवाना है तो से कमिटमेंट लेवल यकीन बड़ा हाई था सर। और उसका निकला कि आज माशाल्लाह ये दुनिया की फोर्थ मेगा यूनिवर्सिटी है लेकिन बेसिक कंट्रीब्यूशन उन पुराने साथियों का है मैं भूल नहीं सकता जिन्होंने एक मेज़ पे टेबल पे बैठ के दो दो हाथ ने काम किया बद बल्कि बाद नीचे बैठ कर का भी काम करना पड़ता था सर सर यूनिवर्सिटी के शुरू में ये जो स्ट्रक्चर अब नज़र आ रहा है ऐसा नहीं था सर मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त कोर्स प्रोडक्शन का ज़ाहिर है कि तरीक़ेकार तो एक सेट है लेकिन ये सहूलियात तो उस वक्त नहीं थी उस वक्त ये कंप्यूटर इतनी फ्रावानी से दस्याब नहीं थे तो कुछ उस पर रोशनी डालिए कि उस दौर में किस तरह से काम होता था और ये कोर्स डेवलपमेंट कैसे होती थी यूनिट्स कैसे बनते थे कैसे लिखे जाते थे थैंक यू ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और बड़ा रिलेटेड भी है हमारे सारी लाइफ के साथ एजुकेशन की आपको ये पता होगा कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में इंडक्ट हुआ सर वो फार्मर सिस्टम का ही ग्रेजुएट था बिल्कुल सर तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो एलाना साहब के दौर में ही ये ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ उससे पहले स्टार्ट हो चुका था लेकिन जो बूस्टअप मिलता है वो अर्ली एटीज में हमें यूनिवर्सिटी का नज़र आता है उसमें हर इंडक्टी जो एक्डमिशन की कैपेसिटी में यहाँ ज्वाइन करता था तो उसको एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता था सर जिसमें आउट डिस्टेंस एजुकेशन क्या है डिस्टेंस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या हैं उनके लिए बुक्स जो लिखी जाती हैं उनके यूनिट्स कैसे लिखे जाते हैं और फिर चूँकि ये यूनिवर्सिटी मीडिया यूनिवर्सिटी भी है तो रेडियो और टेलीविजन के लिए कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है उनकी प्रेजेंटेशन की जाती है ये तमाम ट्रेनिंग हमें कराई जाती थी और उसका ये एडवांटेज रहा कि उन ट्रेनिंग्स की वजह से बहुत जल्द ही हमारे जो हजरात थे फेमिलियर हो गए हो गए और उन्होंने यूनिट राइटिंग का सिलसिला आज खुद शुरू किया एक और दूसरे हमने पूरे मुल्क में से जितने एक्सपर्ट जिस सब्जेक्ट में मिलते थे उनकी खिदमत भी हासिल की और उनके साथ जॉइंट वेंचर के तौर पर हमने ये मौजूदा आपको जो किताबी स्ट्रक्चर कारस्पॉन्डेंस की शक्ल में भेजें नज़र आता है ये डेवलप किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़खर से कह सकता हूँ कि आज हमारा ये जो बुक मटीरियल है बाकी यूनिवर्सिटियों में भी बड़े इत, इंतहाई एहतराम के साथ पढ़ा जाता है और इसकी वैल्यू है बिल्कुल सर इसमें बहुत मेहनत शाका शामिल है हमारे अकेडमिशन्स uh, की और वो उसका समर ये है कि आज जैसे आपने फरमाया कि वन ऑफ़ द मेगा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है एआईओयू सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहला मास्टर्स प्रोग्राम ईपीएम का इस यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ तो वो इसके बानी कौन थे कौन इस थे उस वक्त जब ये डिपार्टमेंट बना और फिर किस तरह से ये आज तक का सफ़र जो है इसके बारे में आप माशा एक तवील अरसे से इस डिपार्टमेंट को चेयर भी कर रहे हैं मैं ये जानना चाहूँगा आपसे इस डिपार्टमेंट के बानियों में बहुत बड़ा मतबर नाम आता है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अली सिद्दीकी साहब का सर सर दरअसल वो इसकी बुनियाद रखने वाले थे उसके बाद उनको सपोर्ट करने के लिए जो बड़े नाम हैं उनमें डॉक्टर अतर खान कोटी हैं जो हमारे साहब का डीन की कैपेसिटी में रिटायर हुए हैं शौकत सिद्दीकी साहब भी हमारे डीन रहे और एक्टिंग वाइस चांसलर भी रह चुके हैं सर। और उनके साथ साथ उन्होंने बड़ी मेहनत शाखा के साथ पूरे पाकिस्तान में से अपने मतलब के लिए अपने जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे अकेडमिशन इकट्ठे किए जिनमें डॉक्टर मकसूद आलम बुखारी हैं डॉक्टर दुल्कैफ़ अहमद हैं डॉक्टर ए आर सागर हैं सर और उसके बाद फिर यकीन डॉक्टर आयशा और मेरा नाम आ जाता है सर। और इस आज तक हम इस तरह उनके सिल्स एक लगाए हुए पौधे हैं सर जो आज आपके सामने हैं माशा सर ये जो ई डिपार्टमेंट है ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है और कब कौन से प्रोग्राम रफली स्टार्ट हुए और उसका क्या हमें आउटपुट मिला और अब ग्रेजुएट्स कहाँ कहाँ हमें नज़र आते हैं देखिए जी इसकी डिग्री का नाम है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तो ये कंसीव इस सेंस पे हुआ था प्रोग्राम के मुल्क में के लिए बहुत सारे इदायरे हैं बेशक अभी तक हम शायद पूरी तरह वो फुलफिल नहीं कर सकते लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रही थी जिसमें मैनेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर प्रोड्यूस कर सकते थे तो लिहाजा ये आइडिया लेकर जो डॉक्टर छोकर अली सिद्दीकी साहब ने इस प्रोग्राम की इतार रखी और शुरू में जिस तरह मैंने कहा कि मास्टर प्रोग्राम था ये थ्रू नामिनेशन शुरू शुरू में स्टार्ट हुआ अच्छा बड़े लिमिटेड नंबर में लोग आया करते थे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से मरकज से और मजे की बात यह है कि ये वो प्रोग्राम है जिसमें शुरू शुरू में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को या अपने पार्टिसिपेंट्स को लंच तक भी प्रोवाइड करती थी अच्छा अच्छा क्योंकि लिमिटेड नंबर होता था उस वक्त हमारा फोकस हर इसी प्रोग्राम पर होता था और दूसरा जो प्रोग्राम हमारे साथ जो सबसे पुराने आ रहे हैं वो हमारे अरबी के प्रोग्राम थे जो अलिसान अरबी और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम थे जी। ये सर्टिफिकेट कोर्स की शक्ल में पेश किए जाते थे जी, जी सर इस प्रोग्राम के तहत हमने सबसे पहले फोकस किया कि हाउ टू गिव लीडरशिप टू द एजुकेशन सेक्टर एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए इस प्रोग्राम में सिर्फ टीचर हज़रात नहीं आते हमारे स्टूडेंट्स में आर्मी पर्सनल भी हैं प्राइवेट सेक्टर से लोग भी आते हैं पब्लिक सेक्टर से भी आते हैं टीचिंग से भी है रिसर्च वाले भी हैं मिनिस्ट्रीज और डायरेक्ट्रेट से भी हैं तो ये बेसिक परपज़ इसका यह था कि हम वो एक कैडर प्रोड्यूस कर दें जो या तो मैनेजमेंट के स्टेज पे पहुंच चुके हैं या दे आर लाइकली टू बी प्रमोटेड ऑन दिस सीट उनके पास इतना हो और स्किल आ जाए ताकि वो मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके तो यूँ हमारी यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट के सिलसिले में एक जो लीडरशिप है वो एक तवील अरसे से प्रोवाइड की हमारे मुल्क में बिल्कुल सर मैं ये आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि इस ई पी एम की ज़िम्मेदारी के साथ साथ इस मेगा यूनिवर्सिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो किसी भी इदारे और यूनिवर्सिटी में बहुत रीढ़ की हड्डी का मकाम रखता है ये ज़िम्मेदारियाँ भी आज आपके पास हैं तो आपके पास तो इस यूनिवर्सिटी की ही एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप बताएंगे कि इस वक्त एग्जामिनेशन में क्या क्या ज़िम्मेदारी एक कंट्रोलर को अदा करनी पड़ती है और कितने हमारे यहाँ सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स हैं क्या अरेंजमेंट्स होते हैं बास भाई थैंक यू वेरी मच ये इजाफी ज़िम्मेदारियाँ मैंने अपने तौर पर तो नहीं ली ले ले, लेकिन यकीन हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर साँगी साहब का ये चॉइस है या उनकी विजन है कि उन्होंने शायद ये मुझे इस काबिल समझा कि इन डिपार्टमेंट्स पे बिठाए जाऊँ आपको बता दूं कि मेरे पास सिर्फ एग्ज़ामिनेशन का चार्ज ही नहीं बल्कि डायरेक्टर बसर का भी चार्ज मेरे पास जी है। बिल्कुल इस लिहाज से मैं थ्री इन वन की कैपेसिटी में आपके सामने हाजिर हूँ आपने सवाल किया था कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है जिसके बड़े पूरे पाकिस्तान में बल्कि हमारे आपको याद होगा गल्फ़ स्टेट्स में भी एग्जाम कंडक्ट जी, जी सर इस पर मैं छोटा सा आपको सिम्प्लीफाई अगर करना चाहूँ तो 2010 के प्रोग्राम आर्टम में जो हमारी एनरोलमेंट थी वो एक सौ छियासठ था, हंड्रेड थाउजेंड सी वन सिक्सटी सिक्स हंड्रेड थाउजेंड और जो बढ़ते बढ़ते इस वक्त जो आर्टम 2012 के एनरोलमेंट है वो हो गई है टू हंड्रेड फोर्टी सेवन हंड्रेड थाउजेंड्स अच्छा तो इसी तरह इनकी रेशो के हिसाब से देखा जाए तो हमने 2010 में पूरे मुल्क में पाँच सौ पैंसठ फाइव सिक्स फाइव एग्ज़ामिनेशन सेंटर खोले थे और जो बढ़ते बढ़ते आइटम बारह में उनकी तादाद जो है नाइन हंड्रेड हो गई है नाइन हंड्रेड सिर्फ एग्ज़ामिनेशन सेंटर थे जो हमारे पूरे मुल्क में फैले होते हैं फिर उसका सारा स्टाफ अपॉइंट होना और उन तक तरसील सारे मटेरियल की ये एक यकीन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सेक्शन हैं जो मुख्तलिफ मतलब मैं कहूँगा कि एक हमारा कंडक्ट सेक्शन है जिसको हमारा एक एडिशनल कंट्रोलर कंट्रोल करता है इस तरह सर्टिफिकेशन और रिकॉर्ड के हवाले से एक एडिशन कंट्रोलर है फिर उनके आगे नीचे फिर सेक्शन बने हुए हैं सिक्रेसी है सिक्रेसी एक अलग से एक सेक्शन है कंडक्ट अलग से एक सेक्शन है सर्टिफिकेशन वाले अलग से हैं वेरिफिकेशन वाले अलग से हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं जो हर एक अदारा का हिस्सा जो है अपने अपने काम अंजाम दे रहा है आप हैरान होंगे कि ये 900 जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं इस पर हमारा शायद इस साल गुजारा नहीं हो सकेगा क्योंकि एक्सपेंड कर रही है हम एक्सपेंड हो गए इस वक्त हमें मैं फोर्स कर रहा हूँ कि कम अज़ कम हमें पचास से साठ के दरमियान मज़ीद सेंटर की इस सेमेस्टर में ज़रूरत पड़ेगी और अगर उनको मैं आगे इस तरह फुरसी करूँ तो दो हज़ार चौबीस पच्चीस में जो मैं अंदाजा कर रहा हूँ फुरती कर रहा हूँ ग्यारह सौ नब्बे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे और हमारी पापुलेशन जो है स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेड है एस्टिमेटेड है वो है थ्री थ्री एट सिक्स सिक्स टू नाइन तो ये तो सैकड़े और इसको फिर हजार जी जी मतलब वो एक बहुत बड़ी ये मेरी भी खत्म हो जाती है जी इसको मैं कैसे बोल इस माशाल्लाह सर आप क्या समझते हैं सर कि जो मौजूदा हमारे पास मैन पावर है आपके डिपार्टमेंट के अंदर और इसके साथ हम ये मज़ीद इसकी जो एक्सपेंशन हो रही है पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है मैनीफोल्ड इंक्रीज मैं से कहूँगा जब जैसे आपने कहा जब शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी और अब तक का सफ़र तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसको किस तरह से कूप अप किया जा सकता है जो मैंने अभी थोड़ी सी फिगर सीफ़िक्र सबने बोले अगर उन्हीं को दे में रखें तो ये कम वेश आठ परसेंट ओवरऑल हमारी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है पर एन पर एन पर सेमेस्टर पर सेमेस्टर जी लेकिन ये जरूर नहीं कि ये आठ परसेंट ही रहेगी इसमें जिस तरह हमारे नंबर ऑफ़ प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त हमारे एग्जामिनेशन जो है एक सौ पंद्रह प्रोग्राम का एग्ज़ाम ले रहे हैं एक सौ पंद्रह प्रोग्राम्स का तो हमारी यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि हमारे सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट्स भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो किसी वक्त ये कहा जाता था कि ये ओपन यूनिवर्सिटी के प्रागेटिव में आते ही नहीं हैं ये उसका जो मोटो है उसमें फाल नहीं करते जैसे बेसिक साइंसिस के सब्जेक्ट अब माशाल्लाह हमारे पास चार फैकल्टीज हैं जिसमें एजुकेशन फैकल्टी है सोशल साइंसिस की फैक्ल्टी है अरेबिक एंड इस्लामिक इस्लामिक स्टडीज़ का है और बेसिक साइंसिस की भी एक हमारे पास स्टडी पूरी फैकल्टी फैकल्टी है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो फेस टू फेस का केंद्रीय पढ़ाए जा रहे हैं उनका भी इम्तान हम कंडक्ट करते हैं इस लिहाज से ये एट परसेंट में भी हमारा नंबर इससे ज़्यादा हो जाए सर आप क्या समझते हैं कि जैसे अभी आपने बेसिक साइंसिस का और फेस टू फेस कंपोनेंट का जिक्र किया ये जो अब ब्लेंडेड वर्जन हम पेश कर रहे हैं इसको आप किस नज़र से देखते हैं ये वक्त की ज़रूरत है हमने अपने जो ओरिजिनल हमारा ट्रैक था उससे कुछ हम उसमें हमने तब्दीली की कैसे देखते हैं आप इसको यक़ीन कुछ लोग हमारे सिस्टम को सामने रखते हुए क्रिटिसम में करते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है अपने मंशूर से अपने मोटो से शायद हट रही है मैं इससे इतफाक़ किस हद तक नहीं करता सर उसकी वजह यह है कि हम एक ख़ास डिसिप्लिन के तहत अपने एजुकेशन को एक्सपेंड नहीं कर सकते मुल्की ज़रूरियात को इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में भी देखना है नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखना है तो जब हम दोनों पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमें हर तरह की तलीम की ज़रूरत है जिसमें जनरल एजुकेशन भी चाहिए जिसमें टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी चाहिए जिसमें कंप्यूटर आई आज बेसिक नीड बन चुकी है बिल्कुल जो आई से चंद साल पहले शायद इतनी ज़रूरत नहीं समझी जाती थी लेकिन आज कंप्यूटर के बगैर चाह नहीं है आज हमारे हर प्रोफेसर हर डिपार्टमेंट में आपको कंप्यूटर नजर आएगा तो इस लिहाज से हमें उस दायरे से बाहर आना होगा जो 74 में था इस लिहाज से हम अपनी एक्सपेंशन को तो यकीन ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें इसके कुछ मसाइल भी हैं मसलन इम्तहान के कंट्रोल की कैपेसिटी में कहूँगा कि हमें फार्मल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है क्यों हमारे नौ सौ एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो यूनिवर्सिटी तो क्या कोई भी इदारा नौ सौ एग्जामिनेशन सेंटर अपने तौर तो पर बना नहीं सकता हमें फिर मुख्तलिफ़ कॉलेज तो और स्कूलों से वो सेंटर लेने पड़ते हैं क्लासेस वर्कशॉप्स के लिए उनकी क्लास रूम यूज़ करनी पड़ती हैं और फिर उन्हीं उनमें इम्तहान के लिए इनजेशन का जो स्टाफ है वो भी हमें फार्म सिस्टम से लेना पड़ता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें इस सिलसिले में आ रही हैं कि जब हमारे वो जब वो साथी जो हमारे डायरेक्ट एम्प्ल नहीं है शायद वो इतनी ज़िम्मेदारी का मुदायरा नहीं कर पाते जो एक जिम्मेदार रेगुलर एम्प्लाई कर सकते हैं इस सिलसिले में एग्जाम से मुल्ल कम्ट नेचुरली कंप्लेंट्स भी हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो खत्म हो सके सबसे ता... बड़ी रुकावट हमारे लिए हमारे सर्टिफिकेशन है जिसमें आप ये हैरान होंगे कि कम उत्त तीन हजार अप्लीकेशन हमारी डेली मिलती हैं थ्री थाउजेंड एप्लीकेशन आर बींग रिसीव दिस डिपार्टमेंट फॉर वेरीफिकेशन एंड डिग्री उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैनुअल सिस्टम से हम इसको को अप नहीं कर सकते तो मैंने अपने साथियों के साथ मीटिंग की है अपने दीगर सिस्टर डिपार्टमेंट से भी मशवरा किया है हम बहुत जल्द स्विच ओवर हो रहे हैं बहुत सारा काम पहले हमारे कंप्यूटराइज हो चुका है लेकिन सर्टिफिकेशन के सिलसिले में भी हम इसको कंप्यूटराइज़ कर देते हैं तो मैं अपने सामीन और नादरन को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जो तो उनको जो कंप्लेंट्स अभी थोड़ी आ रही हैं कि हमें डिग्री टाइम पर नहीं मिलती या वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट जो अब थोड़ा धीरे मिलता है कुछ अर्से के बाद इन अगले सेमेस्टर में ये सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे विद इन ड्यू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनके मुताबिक उनको सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट, और डिग्रियाँ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए सर एक बात जो मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मली ये होता था कि हमारा स्टडी पीरियड ज़रा स्क्वीज़ हो जाता था और कुछ लेट रिजल्ट्स